कुश्ती के बड़े नाम बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित कई बड़े ओलंपिक खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर धरने में बैठे हैं। उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कुश्ती संघ अपने मनमाने नियमों के सहारे खिलाड़ियों का उत्पीड़न कर रहा है। विनेश फोगाट ने तो कुश्ती संघ के अधिकारियों पर महिलाओं के साथ बुरे बर्ताव का भी आरोप लगाया। डिमांड यही है कि खिलाड़ी बैठे हैं। देखिए ये हमारे साथ हो रहा है जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था मैं, तब से रिजल्ट दे रहा हूँ और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीजें हम उनसे मांगते हैं। वो हमारी हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा है फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिला। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी क्या मैं, अगर मेरे को कुछ हो जाता मेरी फैमिली क्या करती मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेगा, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। जो सबसे बड़ा सवाल हो पहले उसको पूछिए। सुनो और एक सवाल में कई सवाल मत पूछिए। देखिए जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में सॉरी दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन के को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया क्योंकि हमारा रहना जरूरी है इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने विभूषण सिंह जी ने फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ब्रिजभूषण जी लेकिन उनका ये साफ साफ कहना है कि आप और आप फेडरेशन के अधिकारी के साथ साथ दो घंटा लगेगा तो दो घंटा बैठूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल एक एक करके आराम आराम से पूछ ले, कोई वो नहीं है। ब्रिजभूषण जी लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से यौन शोषण के आरोप ना सिर्फ आप पर और फेडरेशन के अधिकारियों पे हैं, उनका ये कहना है कि फेडरेशन जो है वो कायदे और कानून से नहीं चल रही है, उसमें कई खामियां हैं स्पोर्ट्स कोड को लेकर, इसीलिए आपको इस्तीफा भी दे देना चाहिए, आपको पद से हटाया जाना चाहिए। एक सवाल रखिए कोई, जैसे हमने अभी चलते चलते पढ़ा कि चीफ कोच का भी नाम लिया गया है कि वो भी पसंदीदा खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। हमारे लिए कहा गया कि लखनऊ में कैंप इसलिए लगाया जाता है कि खिलाड़ियों को घर बुलाया जा सके। मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त आदमी हूँ और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूँ। मेरा घर वहाँ से 120-130 किलोमीटर है, मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में एक बार या दो बार रुकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ है, अन्यथा मत लीजिएगा, एक शेर बोलना चाहता हूं
कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सके, और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। इस बार ओलंपिक के बाद हम लोगों ने महसूस किया, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये निकाला कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी। अगर ओलंपियन जिसने क्वालिफाई किया है अगर हरा देगा तो उसका कोटा पक्का माना जाएगा। अगर बाई चांस वो खिलाड़ी हार जाए, बाई चांस वो खिलाड़ी हार जाए तो उसको 15-20 दिन के बाद एक मौका और मिलेगा, यानी कि नया खिलाड़ी अगर आएगा तो उसको दो बार जिसने कोटा लिया है उसको हराना पड़ेगा। और जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आया है एक कुश्ती केवल जीत लेगा। तो एक निर्णय तो ये हुआ फेडरेशन का, तानाशाही वाला निर्णय एक ये हुआ कि अब फेडरेशन जो है ये फेडरेशन तानाशाही की तरह काम कर रही है या नहीं, ये जो जैसे 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 जो आरोप है कि तानाशाही के लिए काम कर रही है, इसको लेकर के सारे कोचों से बीच में मीटिंग हुई और यहां तक कि इन खिलाड़ियों को भी बताया गया था कि फेडरेशन ऐसा विचार कर रही है। और हमारा वो फैसला नहीं है, हमारे जो है एजुकेटिव बाजी का फैसला है जिसमें जो है इनका क्या नाम है कोचों की सहमति है, अच्छे पहलवानों से भी राय ली गई है, इन पहलवानों से भी राय ली गई है, इन पहलवानों से भी राय ली गई है और लेने के बाद एक फैसला किया गया कि दूसरा एक ये हो गया। दूसरा एक फैसला फिर हम लोगों ने लिया कार्य समिति में, जैसे देखिए कोई भी नेशनल कराता है, एक नेशनल कराने में कम से कम 60-70 लाख रुपए लगते हैं और गवर्नमेंट का जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत कम है, अलग से लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। हर आदमी चाहता है कि हमारे गेम में ओलंपियन हैं या जो वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं वो आवें जिससे आकर्षण बढ़े। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं, देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है। और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। और फिर बात हुई कि कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि वो नहीं, चलो इस साल नहीं लड़ पाए, कुछ ने ये कहा कि हम जान नहीं पाए, हमको पता नहीं था कि फेडरेशन ने ये नियम लग बना दिए, जान नहीं पाए। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपके ये टॉप के खिलाड़ी हैं, आप टॉप से इनका खर्चा दे दीजिए और इनका नाम हम डाल देते हैं। नाम हमने डाला भी क्योंकि एक तरफ सरकार का दबाव है कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में रहने चाहिए। तो बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि उत्पीड़न पर विनेश फोगट ने आखिर क्या कहा।
नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, सेक्सुअल जी 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 जी, एक आपने कोचेज की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही, और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ, इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें हर हिंदुस्तान का शख्स पहचानता है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है ओलंपिक में मेडल जीतकर, जो आरोप है वो गंभीर है। देखिए शारिक, बिल्कुल बेहद गंभीर आरोप हैं, और ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें कई ओलंपिक पदक विजेता हैं, बजरंग पुनिया हैं, साक्षी मलिक हैं, इसके अलावा विनेश फोगाट हैं, और भी कई बड़े रेसलर जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। और उनका कहना ये है कि जब तक रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जब तक उनको नहीं हटाती सरकार, तब तक वो यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। सबसे गंभीर आरोप विनेश फोगाट ने लगाए, उनका कहना ये है कि उनको टोक्यो में एक टूर्नामेंट जब वो नहीं जीत पाई और वापस लौटी, तो उनको जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष ने उनको खोटा सिक्का कहा, और वो लगातार मेंटल टॉर्चर का शिकार हो रही हैं। कभी कभी उनको लगता है कि वो आत्महत्या कर लें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बहुत सारे कोच ऐसे हैं रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया में, वो खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं, और ये कुछ ऐसे कोच हैं कि वो यौन शोषण करते हैं। और उन्होंने जो WFI के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर भी आरोप लगाए कि वो भी यौन शोषण करते हैं, और ये मांग की कि उनको तुरंत हटाया जाए। तो इस तरह से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और जो बजरंग पुनिया हैं, उन्होंने भी कहा कि जो WFI है वो लगातार मनमानी कर रहा है, जो खिलाड़ी हैं उन पर कई तरह की एलिगेशन लगाता है, और वहाँ पर लगातार जो खिलाड़ी हैं वो परेशान हैं, वो भी चाहते हैं कि इसमें जो भी पदाधिकारी हैं उनको तुरंत हटाया जाए। तो तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है, जो उनकी मांगे हैं, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वो जंतर मंतर पर लगातार बैठे रहेंगी।